दोस्तों चोटिल हुए बल्लेबाज को रनआउट करने से विकेट कीपर ने किया इनकार। आईसीसी ने स्प्रिट ऑफ द ईयर अवार्ड से किया सम्मानित। जी हाँ दोस्तों, उसकी पूरी वीडियो हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही वीडियोस हम लाते रहते हैं। दोस्तों कहते हैं क्रिकेट भाईचारे का गेम है, इसमें जहाँ मैच को जीतना जरूरी है लेकिन उससे कई ज़्यादा खेल भावना को भी समझना जरूरी है। दोस्तों मैच में ऐसा कई बार देखा जाता है कि विपक्षी टीम का खिलाड़ी सामने वाले खिलाड़ी के प्रति भाईचारे और मदद की भावना दिखाता है। ऐसे ही खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए आईसीसी द्वारा हर साल स्प्रिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उस खेल की जहां आसिफ शेख नेपाल के विकेट कीपर बल्लेबाज है और ये अवार्ड उन्हें विकेट कीपिंग के दौरान ही शानदार खेल भावना दिखाने के लिए दिया गया है। दरअसल फरवरी 2022 में ओमन में खेली गई चार टीमों की सीरीज में नेपाल और आयरलैंड के बीच मैच खेला जा रहा था। इस मैच के दौरान 19वें ओवर में नेपाल के गेंदबाज आयरलैंड के बल्लेबाज मैक ब्राइन से जब वे रन दौड़ रहे थे तो टकरा गए थे, जिसके कारण मैक ब्राइन क्रीज से बेहद दूर रह गए थे और गेंद विकेट कीपर आसिफ शेख के हाथों में आ गई। जैसे ही गेंद आसिफ शेख के पास बॉल आई, उन्होंने मैक ब्राइन को आउट कर बढ़त बनाने की जगह बॉल को जमीन पर फेंक दिया और उन्हें रन पूरा करने दिया। इसे देखकर हर कोई हैरान रह गया और बल्लेबाज ने भी पास जाकर कीपर को धन्यवाद कहा। इसकी वीडियो दोस्तों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और आईसीसी ने भी इसकी वीडियो को शेयर की है। तो दोस्तों अगर आपको इसकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और ऐसे ही वीडियोस अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। बाय।